हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स में हम करेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कब स्टार्ट हुआ था, इन 1972 में स्टार्ट हुआ था। तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया बताया एन एक्ट टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और एनेक्सिलरी और इंसिडेंटली देयर टू। मतलब वो क्या करते हैं, इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में क्या है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? वाइल्ड एनिमल्स को और बर्ड्स को, ठीक है। इन दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर अ मैटर कंसर्न, जो इनके साथ रिलेटेड इनका जो भी मैटर होता है, जैसे उनकी कोई भी हैबिटेट्स हो गई, वो कहाँ पे रहते हैं, तो उनके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। साथ साथ एनिमल को तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, बट उनके साथ जो मैटर लिंक्ड हुआ होता है, जैसे उनकी हैबिटेट होती है, मतलब वो किसी फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे भी वो रहते हैं, उनको वैसे ही उसमें रखा जाता है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कब स्टार्ट हुआ था, इन 9 सितंबर 1972 को स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या है, 6 schedule है, ठीक है, 6 schedule विच गिव वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। अब 6 schedule में क्या है कि जो पहले 2 schedule होंगे, फर्स्ट और सेकंड schedule होंगे, उनमें क्या है, डेंजर्ड इनडेंजर्ड स्पीशीज होंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर में है, ठीक है। अगर हम थर्ड और फोर्थ schedule की बात करें तो उसमें वो वाली स्पीशीज आएंगी जो अभी इनडेंजर्ड नहीं है, पर कुछ टाइम में जब हम उनकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो वो भी इनडेंजर स्पीशीज में आ जाएंगी, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है हमें, है ना। तो जो फिफ्थ में है वो ऐसी स्पीशीज हैं जो कोई डिसीज कॉज करती हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल रैट की बात कर लेते हैं, वो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमारी लाइफ, मतलब जो भी हमारा फील्ड है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उनको हम मतलब किल कर सकते हैं। बट जो इनडेंजर स्पीशीज हैं, जैसे स्केड्यूल 1, 2, 3, 4 में पाई गई हैं, उनको हम किल नहीं कर सकते, उनके लिए हमें परमिशन चाहिए। बट जो स्केड्यूल 5 में आएंगे, उनके लिए हमें कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, हम उनको किल कर सकते हैं। और स्केड्यूल 6 में इन्होंने प्लांट्स को एक्सप्लेन किया है, जिसको हमें मतलब स्टडी नहीं करना है, क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम 5 schedule ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, देयर आर 4 chapter एंड 66 section एंड 5 schedules, ठीक है। इसीलिए मैंने जहाँ पे 5 schedule लिखा हुआ है, तो एक जो है उसको छोड़ दिया है जो प्लांट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। जो 4 chapters हैं इनको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, बट जो मैं आज टॉपिक करवा रही हूँ आपको, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वो चैप्टर नंबर 3 में आता है, ठीक है। ऐसे ही वैसे जैसे इन्होंने 66 section दिए हैं, तो जो हंटिंग के अंडर सेक्शन आते हैं वो 9 से शुरू होते हैं और 17 section तक ख़त्म होते हैं। तो आज हम ये सभी सेक्शन करेंगे और चैप्टर नंबर 3 के अंडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप बताया है कि जो कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं, जब हम ये एक्ट पढ़ेंगे तो उसको समझने के लिए हमें जो डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे एनिमल, जहाँ पे भी एनिमल वर्ड आएगा तो उनमें सभी इंक्लूड हो जाएंगे, सभी एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स उसके अंडर आ जाएंगे, ठीक है। तो हंटिंग, हंटिंग एक तरह की नहीं होती, हंटिंग कई तरह की होती है। जैसे हंटिंग होती है कि किसी एनिमल को कैप्चर करना, उसको किल कर देना, कोई पॉइजन दे देना, जहर दे देना, ट्रैपिंग मतलब उस पर कोई जाल बिछा कर उसको पकड़ लेना एनिमल्स को, ये सभी क्या है, एक हंटिंग की टाइप्स है, ठीक है। ट्रॉफी मतलब क्या होता है, इट मीन्स द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी कैप्टिव एनिमल। अब कैप्टिव एनिमल कौन से होते हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जैसे मैंने बताया स्केड्यूल 1, 2, 3 और 4 जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, उनको ही कैप्टिव एनिमल बोला गया है। अगर हम उन कैप्टिव एनिमल की पूरी बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं, या फिर उसके किसी एक पार्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे उसके मतलब कोई भी पार्ट ले लो बॉडी का, उसको प्रिजर्व करेंगे तो उसको हम ट्रॉफी बोलेंगे, ठीक है। वाइल्ड एनिमल और अदर देन वर्माइन, वर्माइन कौन होते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया कि स्केड्यूल नंबर 5 के अंडर जो इंसेक्ट आते हैं, जो हमें मतलब डिसीज कॉज करते हैं, या फिर हमारी फील्ड है जो उसकी क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, वो उसे हम वर्माइन बोलेंगे। और जो बाकी बचे हुए 4 schedule हैं, 1st, 4th schedule है, वो कैप्टिव एनिमल्स के अंडर आते हैं, ठीक है। इनको छोड़ के, क्योंकि इनको तो हम हंटिंग हंट कर सकते हैं, बट कैप्टिव एनिमल्स जो हैं उनके लिए हमें परमिशन चाहिए। अगर हम उनका कोई पार्ट प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसको हम ट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ये देखो प्रिजर्व लिखा हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट है वर्माइन। वर्माइन मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स होंगे दैट कैरी डिसीज, मतलब डिसीज लेके चलते हैं, जहाँ प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारे फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो स्केड्यूल नंबर 5 के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है कैप्टिव एनिमल दैट कम अंडर स्केड्यूल 1, 2, 3, 4 के अंडर जो एनिमल्स आते हैं वो कैप्टिव एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और की ब्रीड इन कैप्टिविटी, उनको कैप्टिविटी में क्या है, हम ब्रीड करवाते हैं ताकि जो इंडेंजर में है तो उनको हम इंडेंजर से बाहर निकाल सकें और मतलब वो इंडेंजर स्पीशीज ना रहे, इसी वजह से हम उनको आर्टिफिशली ब्रीड कराते हैं और उनको आर्टिफिशली प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो मतलब जब हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल के बारे में हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसी अथॉरिटीज हैं जिनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, वो कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जिनसे हमें अपॉइंटेड लेनी पड़ती है अंडर द एक्ट, है ना। तो फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एनी अपॉइंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है हमें परमिशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर हमें परमिशन लेनी है तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो डायरेक्टर ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन का जो डायरेक्टर होगा उससे हम परमिशन ले सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा उससे ले सकते हैं, और अदर ऑफिसर्स वगैरह जहाँ एम्प्लॉयज वगैरह होंगे उनसे भी हम परमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ वार्डन आ गया और अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज आ गए, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमें परमिशन चाहिए किसी भी एनिमल को हंट करने के लिए तो इनसे हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। इसके अंदर क्या है, सेक्शन नंबर 9। फर्स्ट हम करेंगे सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल क्या बताया है उन्होंने कि हम कोई भी पर्सन किसी भी वाइल्ड एनिमल को हंट नहीं कर सकता जो स्केड्यूल नंबर 1, 2, 3 और 4 के अंडर आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। और सेक्शन नंबर 9 के अकॉर्डिंग ये भी है कि जो स्केड्यूल नंबर 5 के अंडर आते हैं उनको हम हंट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वर्माइन है जो मतलब सेक्शन नंबर 5 के अंडर आते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, उनको हम हंट कर सकते हैं। और सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारे पास लाइसेंस होगा, लाइसेंस लेने के लिए हमें सच फीस मतलब कुछ फीस वगैरह पे करनी पड़ती है और कुछ पेपर वर्क भी करना पड़ता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होंगे जो वहाँ के वाइल्ड लाइफ एनिमल, अगर हम किसी भी वाइल्ड लाइफ मतलब जगह पे जाएंगे है ना, तो वहाँ पे एक वार्डन होगा, तो वहाँ से हमें उस वार्डन से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब लाइसेंस वहाँ से अप्लाई करेंगे, फिर वो वार्डन क्या करेंगे उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँचाएगी और वहाँ से हमारा लाइसेंस बन के हमारे पास आएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे दिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट से वो क्या कि आपको मतलब जो भी आपका लाइसेंस होगा उस वो आपको बनाकर वहां से दे दे, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंग है द होल्डर ऑफ एवरी लाइसेंस। अगर लाइसेंस तो मिल गया बट ऐसा नहीं है कि लाइसेंस ले लिया हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर लाइसेंस आपके पास है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है कंटेनिंग सच अ पार्टिकुलर एज मे बी प्रिसीव्ड ऑफ द वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्माइन। वर्माइन को मतलब सभी जगह पे हमें छोड़ना है क्योंकि इन पे कोई भी सेक्शन वगैरह नहीं लगता, इनको कभी भी कैसे भी किल कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है डिसीज कॉज करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं प्लांट्स को। इनको छोड़ के हम बाकी सभी के लिए हमें लाइसेंस जरूरी है। अगर हमारे पास लाइसेंस है तो हमें उनका रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है कि अगर हमने लाइसेंस की हेल्प से किसी एनिमल को किल किया है तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि कब हमने किल किया, कितना टाइम था, क्यों किल किया, कैसे किल किया, सॉफ्ट गन से किया या फिर किसी और तरीके से किया, मतलब जो भी आपने जिस वे से भी उसको किल किया वो सभी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। वो आपसे वार्डन पूछ सकती है कि आपने कैसे किल किया, कैसे मतलब सभी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। सेक्शन नंबर 11 के अकॉर्डिंग क्या है, द चीफ वाइल्ड वार्डन में इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाई इन द स्केड्यूल 1 हैज बिकम डेंजरस। अब जो चीफ वहाँ की वार्डन होगी, ठीक है, वो क्या कर सकती है, मतलब अगर वो परमिशन देती है कि जो स्केड्यूल नंबर 1 के अंडर एनिमल्स आते हैं जो कि डेंजर है ह्यूमन के लिए, मतलब मान लो उनको कोई डिसीज हो गई है और वो डिसीज अभी ह्यूमन को भी हो सकती है, ऐसा खतरा है, तो वो अगर परमिशन दे मतलब वार्डन परमिशन दे, रिटर्न में परमिशन दे कि हम इनको किल कर सकते हैं तो हम उनको किल कर सकते हैं, ठीक है, उनकी हंटिंग हो सकती है। बट उसके लिए क्या है वार्डन को रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ती है और रीजन बताना पड़ता है, फिर कोई भी मतलब ह्यूमन होगा उसको वार्डन क्या करेगी परमिशन दे देगी और हम उसको क्या कर सकते हैं हंट कर सकते हैं। इसके बाद आ गया सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 के अकॉर्डिंग हम हंटिंग के लिए हमें परमिशन मिल सकती है अगर हम हंटिंग कर रहे हैं फॉर रिलेटेड टू एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च के लिए और कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फॉर जूलॉजिकल गार्डन्स के लिए। इन तीन रीजन अगर हमारे पास होंगे तो हम क्या कर सकते हैं
मतलब वहां पे हंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और अथॉरिटीज ऑफर ने सब्जेक्ट टू एनी जनरल ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ गुड एंड सफिशेंट रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन रिटर्न सस्पेंड और कैंसिल एनी लाइसेंस ग्रांटेड। अब हमें कोई भी लाइसेंस मिला है, ग्रांटेड मतलब मिला है, कोई भी लाइसेंस हमें ग्रांट किया गया है, तो उसको क्या कर सकती है वाइल्ड, जो वार्डन होगी वाइल्ड लाइफ की, वो उसे क्या कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है या फिर उसको कैंसिल कर सकती है। क्यों? अगर उसको लगता है कि आपने कुछ उस लाइसेंस का गलत फायदा उठाया है और वो रिटर्न अप में सभी बताएगी, मतलब रिटर्न अप में लिख कर देगी और एक सफिशेंट रीजन भी बताएगी, इसके बाद उसके पास कोई रिकॉर्ड भी होगा रिटर्न में, है ना, तो ये सभी देकर वो क्या कर सकती है, आपका लाइसेंस जो है उसको क्या कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 के अकॉर्डिंग जो, मतलब इसमें दोनों को कंबाइन किया गया है कि जो, मतलब हमें लाइसेंस ग्रांट कब किया जाएगा, सेक्शन नंबर 9 के अकॉर्डिंग हमें जो लाइसेंस है वो मिलेगा, बट सेक्शन नंबर 13 के अकॉर्डिंग हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसमें हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन बताया है सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 13 का। और नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग मतलब नो पर्सन शैल अनलेस स्पेसिफाई अथॉरिटी बाय अ लाइसेंस हंट द यंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्माइन। अब किसी भी यंग एनिमल को हम हंट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास लाइसेंस नहीं है, वर्माइन को छोड़ के, ठीक है, उनको कर सकते हैं, और एनी फीमेल, फीमेल को भी नहीं किल कर सकते, और एनी डियर विद द एंट्रल्स इन वेलवेट। मतलब इसका मतलब वो क्यों बोल रहे हैं कि हम फीमेल को नहीं किल कर सकते, यंग वन को क्यों नहीं किल कर सकते, क्योंकि जो यंग वन है और जो फीमेल्स हैं उन्होंने ही तो हमें मतलब आगे ब्रीड करना है, आगे स्पीशीज की मतलब जो नंबर है उनको इंक्रीज करना है। अगर हम उनको ही हंट कर देंगे तो उनका नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से हम किसी फीमेल को या किसी यंग वन को मतलब बिना लाइसेंस के हंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो गवर्नमेंट है अगर वो बोल दे कि इतने टाइम के लिए हम ये जो जगह है उसको क्लोज कर रहे हैं, तो वो उतने टाइम के लिए जो जगह होगी वो उसको क्लोज करके रखना ही पड़ेगा। जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी, जब तक वो जगह को ओपन नहीं करेगी, तब तक हम वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। जैसे हम रीड करें तो स्टेट गवर्नमेंट मे बी नोटिफाई डिक्लेयर द होल ईयर और एनी पार्ट देयर फॉर टू बी अ क्लोज टाइम थ्रू आउट द स्टेट। मतलब वो पूरा साल भी बोल सकते हैं, साल में से कुछ टाइम भी बोल सकते हैं कि इतने टाइम के लिए ये जगह क्लोज है, तो उतने टाइम के लिए वो क्लोज रहेगी, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, ना ही कोई हंटिंग होगी। जब गवर्नमेंट परमिशन देगी, ये देखो शेल बी परमिटेड ड्यूरिंग दिस सेड पीरियड, मतलब जितना पीरियड उन्होंने बोला है उतने पीरियड तक हम वहाँ पे नहीं जा सकते। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगी कि वो उसको ओपन कर रहे हैं, उसके बाद हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं। और सेक्शन नंबर 17 के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी पर्सन है वो क्या है, मतलब एनिमल्स को किल नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ द वील्ड, मतलब किसी भी कोई भी व्हीकल है, ठीक है, लैंड व्हीकल है उसकी हेल्प से उसको किल नहीं कर सकता, कोई भी एयरक्राफ्ट है उसकी हेल्प से भी नहीं कर सकता, लैंड वाले जो व्हीकल है उनकी हेल्प से भी नहीं कर सकता, और वाटर वाले जो व्हीकल है उनकी हेल्प से भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है, जब भी उन्होंने हंटिंग करनी है तो उनके लिए उनके पास क्या होना चाहिए, सॉफ्ट गन्स होनी चाहिए। फॉर हंटिंग यूज अ सॉफ्ट गन विद अ लाइसेंस, लाइसेंस तो होना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ क्या है कि सॉफ्ट गन्स होनी भी जरूरी है। थर्ड वन क्या है, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी अप्लाई ऑन वर्माइन। ये जो सभी परमिशन दी गई हैं, जो सभी उन्होंने मतलब बताए हैं रूल्स, ये सभी क्या है, वर्माइंस पे अप्लाई नहीं होते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।